मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? तेलंगाना के निजाम को बदलना है या नहीं बदलना है? जोर से बोलो, बदलना है या नहीं बदलना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बंडी संजय कुमार जी, हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग जी, मेरे मित्र और केंद्र के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री भाई किशन रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन डी के अरुणा जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, हमारे वरिष्ठ नेता तेलंगाना के ही श्री पी मुरलीधर राव जी, श्रीमान सुधाकर रेड्डी जी, श्री जितेंद्र रेड्डी जी, श्रीमती विजया शांति जी, श्री अटेला राजेंद्र जी, श्री टी राजा सिंह जी, श्री धर्मपुरी अरविंद जी, डॉक्टर जी मनोहर रेड्डी जी, और आज परिवर्तन की इस प्रचंड सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों आज मैं कई दिनों से हमारी यात्रा को फॉलो कर रहा हूं। मैंने अभी पंडित संजय कुमार जी का भाषण सुना, मुझे लगा कि मुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, केसीआर को हटाने के लिए संजय कुमार अकेला काफी है। भाइयों बहनों ये यात्रा एक पार्टी को निकाल कर दूसरी पार्टी को बिठाने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा किसी को मुख्यमंत्री बनाने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा कोई राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की यात्रा नहीं है। ये जो यात्रा है ये तेलंगाना के दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोग, किसान, महिला और युवा के कल्याण की यात्रा है। ये यात्रा हैदराबाद के निजाम को बदलने की यात्रा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तेलंगाना में निजाम बदलना है या नहीं बदलना है? जोर से बोलिए बदलना है या नहीं बदलना है? ये यात्रा उनको श्रद्धांजलि की यात्रा है जिन्होंने रजाकारों से अपने तेलंगाना राष्ट्र को मुक्त कराकर भारत मां के आंचल में लाने का काम किया था। ये यात्रा उनके खिलाफ है जो आज भी रजाकारों के प्रतिनिधि की गोदी में बैठे हैं, उनके खिलाफ। ये यात्रा उस मानसिकता के खिलाफ है जो परिवारवाद को चलाती है, मेरे बाद मेरा बेटा, बेटा न बने तो बेटी, ये बात लोकतंत्र के अंदर जो प्रस्तापित करना चाहते हैं इसके खिलाफ है यात्रा। ये यात्रा अरबों खरबों का भ्रष्टाचार करने वाली टीआरएस पार्टी को उखाड़ कर फेंकने की यात्रा है। ये यात्रा दलितों और आदिवासियों के साथ वादा खिलाफी करने वाली टीआरएस पार्टी को उखाड़ फेंकने की यात्रा है। और ये यात्रा
तेलंगाना विमोचना दिन को मनाने का वादा करकर मजलिस के डर से डर जाने वाले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को उखाड़कर फेंकने की ये यात्रा है मित्रों। और इसीलिए मैं यात्रा के अंदर आया हूं। मैं जब यहां आया हूं तब पूरे देश की ओर से, पूरे तेलंगाना राष्ट्र की ओर से हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम करकर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिनके कारण आज ये राज्य, ये राष्ट्र भारत मां का अंग है। आज मैं स्वामी रामानंद तीर्थ, पंडित नरेंद्र, सुरावरम प्रताप रेड्डी, श्री दशरथी रंगाचार्य और पीवी नरसिम्हा राव को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, ये यात्रा में धूम धकती धूप के अंदर 45 किलो डिग्री टेम्परेचर के अंदर लगभग 760 किलोमीटर पैदल चलकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तेलंगाना की पग पग भूमि को पैर से नापने का काम किया है। और जब ये समाप्त होगी तब 2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा समाप्त होगी। मित्रों, आज हमने इस प्रजा संग्राम यात्रा में भाग लेने के लिए एक मिस कॉल सबको देना है। मैं जोर से बोलता हूं, सभी लोग अपना मोबाइल निकालो, जरा मोबाइल निकालिए जिनके पास मोबाइल है। अरे यार निकालो, हाथ ऊपर करो, जरा निकाला सबने? मैं नंबर बोलूं? पक्का? दो बार बोलूंगा, 6 3 5 9 1 1 9 1 1 9। अब दबाइए बटन, हो गया मिस कॉल। बंडी संजय कुमार को आपका समर्थन मिला है मित्रों, और ये लाखों लाखों जो मिस कॉल मिलते हैं वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। 2019 के चुनाव में तेलंगाना की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट दी, 2 सीट हम बहुत नजदीकी मार्जिन से हारे हैं, मगर उसके बाद हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ हो, चाहे 2 उपचुनाव हुए हो, हर जगह पे आपने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम किया है। मित्रों, आज मैं तेलंगाना की जनता को याद कराने आया हूं, यही चंद्रशेखर राव तेलंगाना की रचना के वक्त उन्होंने वादा किया था, निल्लू निदुलू नियम कालू। कुछ पूरा हुआ है क्या? अरे भाई जोर से बोलो, कुछ पूरा हुआ है क्या? कुछ पूरा हुआ है क्या? मैं आज आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, निल्लू निदुलू और नियम कालू का वादा हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जल भी मिलेगा, पर्याप्त बजट भी मिलेगा और रोजगार भी युवाओं को मिलेगा। युवाओं ताली बजाइए जोर से, युवाओं को रोजगार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, आज मैं याद कराने आया हूं, चंद्रशेखर राव जी आप सचिवालय में सेक्रेटरिएट में तो जाते नहीं है, युवाओं इनको किसी तांत्रिक ने कहा है अगर सेक्रेटरिएट में गए तो सरकार चली जाएगी,
ओ चंद्रशेखर राव जी कान खोलकर सुन लो, सरकार जाने के लिए कोई तांत्रिक की जरूरत नहीं है, मेरा तेलंगाना का युवा आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देने वाला है, क्योंकि आपने वादा किया था हर बेरोजगार को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा। युवाओं मिला है भत्ता? जरा बताइए मिला है भाई? आपने कहा था किसानों का कर्ज 1 लाख रुपए तक माफ करेंगे, कोई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हर जिले में सुपर फेसिलिटी अस्पताल बनाना था, कुछ नहीं बना है। आपने वादा किया था 2 बेडरूम का हाउस देंगे, अरे 2 बेडरूम छोड़ो, प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना को भी आप जमीन पर नहीं उतार पाए हो। आपने कहा था दलित भाइयों के लिए 50,000 करोड़ का बजट देंगे, चंद्रशेखर राव जी कहां है वो बजट? आज मेरे तेलंगाना के दलित भाई आपके वादे के लिए पूछ रहे हैं। हर एससी को 3 एकड़ भूमि देनी थी, 3 एकड़ क्या 30 सेंटीमीटर भूमि भी आपने नहीं दी है। आपका वादा आज आपको याद कराने के लिए मैं आया हूं। बीसी कल्याण के लिए, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास के लिए हर साल 1,000 करोड़ देना था, जरा 100 करोड़ भी दिया हो तो आप हिसाब किताब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करिएगा। शिक्षकों की भर्ती, प्राध्यापकों की भर्ती आप शायद भूल ही गए हैं। हैदराबाद में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था, वो भी नहीं बने, उल्टा उस्मानिया और गांधी अस्पताल की हालत आपने खस्ता हालत कर दी। आपने कहा था 73वें संशोधन को लागू कर पंच सरपंच को अधिकार देंगे, मगर आपको लगता है कि पंच सरपंच का मतलब बेटा और बेटी होता है। आपने आपके बेटे और बेटी को अधिकार दिया, पंच सरपंचों को अधिकार देने से आप भूल गए हैं। मित्रों, इस तरह से वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। मैंने मेरे जीवन में, 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं, 57 साल हो गए, मेरे जीवन में इतनी निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। मित्रों, ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार है। तेलंगाना का युवा आ गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को, तब जाकर आगे किसी को भी मालूम पड़ेगा, वादा खिलाफी नहीं कर सकते। मित्रों, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अभी कहते हैं मोदी सरकार बॉइल चावल नहीं खरीदती है। चंद्रशेखर राव जी, पूरी दुनिया को आप उल्टा पुल्टा समझा लोगे क्या? तेलंगाना की जनता बहुत अच्छे से जानती है, नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले चावल का समर्थन मूल्य 1340 रुपये था, इसको बढ़ाकर मोदी सरकार ने 1940 रुपया किया है, और 11 करोड़ छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया है। बॉइल चावल का जहां तक सवाल है, मैं आपको नियम समझाने आया हूं। आप भारत सरकार को दोषी मत बनाइए, चाहे बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो, रागी हो, गेहूं और चावल के अलावे जितने पेरिफेरियल क्रॉप है वो राज्य सरकारें खरीदती। बॉइल चावल को खरीदने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और आपको ऐसे नहीं बनता है, इस्तीफा दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब 1-1 किलो बॉइल चावल हम किसानों का, हमारी राज्य सरकार खरीदेगी।
आप खरीदना नहीं चाहते हो और आरोप मोदी जी पर डालते हो। मोदी जी ने अनेक काम तेलंगाना के लिए किए हैं। मित्रों, ये सरकार मोदी जी की योजनाओं के नाम बदलने के अलावे कुछ नहीं करती। मोदी जी ने समग्र शिक्षा अभियान करा, उन्होंने वही योजना को मोदी जी के ही पैसे से मनाउरु मना बड़ी कर आज उसका चेहरा बदलकर अपना फोटो चिपकाकर, अपने बेटे का फोटो चिपकाकर तेलंगाना के लोगों के सामने रखा है। क्या तेलंगाना के लोग नहीं जानते? वो जानते हैं, ये पैसा नरेंद्र मोदी का जी ने भेजा है। 18,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए भेजा, आपने उसको हरी धर्म कार्यक्रम का नाम देकर आपकी और आपके बेटे की फोटो चिपका दी। क्या तेलंगाना की जनता नहीं जानती है? ये हरी धर्म कार्यक्रम आपका नहीं है, ये हरी धर्म कार्यक्रम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका भी नाम बदला। नाम बदलकर मकान तो दे देते, मकान भी नहीं दे पाए। मित्रों, आज मैं एक बात बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहने आया, भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है अपने विचारों और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर तेलंगाना राष्ट्र की जनता के सामने जाए। हमारे कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। मुझे बताओ भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं, आप इससे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ये चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बंगाल बनाना चाहता है, आप बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे क्या? भाइयों बहनों, उनको रोकना पड़ेगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं, यहां बोल कर जाता हूं, साईं गणेश को जो आत्महत्या करनी पड़ी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि साईं गणेश के हत्यारों को सजा दिलाई जाए, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। कब तक बचोगे? कितने साल बचोगे? एक दिन तो चुनाव के मैदान में आना ही है। और चंद्रशेखर राव जी, मैं आज कहकर जाता हूं, हर रोज 5-स्टार फार्म हाउस में बैठकर योजना बनाते हो कि चुनाव जल्दी करा देंगे, जल्दी करा देंगे। अरे जल्दी क्या, कल करा दो। भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। हार आपकी, आपकी हार सामने की दीवार पर लिखी हुई सी निश्चित मैं पढ़ पाता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तैयार रहना चाहिए। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, उसको सुनाई पड़े ऐसे? ये मजलिस वालों के डर से चंद्रशेखर राव धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? अरे हम मजलिस से भी नहीं डरते और आपसे भी नहीं डरते चंद्रशेखर राव। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 70 को उखाड़ कर फेंक दिया और आज कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग बना हुआ है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये चंद्रशेखर राव ने जब आंदोलन चल रहा था, तेलंगाना विमोचन दिन मनाने का वादा किया था या नहीं किया था? जोर से बोलो, किया था या नहीं किया था? मनाया क्या? मनाया? मनाएंगे भी नहीं, क्योंकि मजलिस से डरते हैं, वो मजलिस की गोदी में बैठे हुए, गोदी में। मगर युवाओं, आप में दम है, आप में जोश है, आप में ताकत है। मजलिस और चंद्रशेखर राव दोनों को एक साथ उखाड़ कर फेंक दीजिए, हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे, हम किसी से नहीं डरते।
भारतीय जनता पार्टी मानती है कि निजाम और रजाकारों के अत्याचार से जिस दिन तेलंगाना को मुक्ति मिली वो दिन न केवल तेलंगाना न केवल निजाम का शासन कर्नाटक और महाराष्ट्र, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है मित्रों, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन। और ये मनाने का काम हम करेंगे मित्रों। ये टीआरएस की सरकार का निशान क्या है? गाड़ी है ना? गाड़ी है या नहीं है? मोटर है या नहीं है? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? है ना? गाड़ी का स्टीयरिंग मालिक के हाथ में होता है या ड्राइवर के हाथ में होता है? ना हाँ या ना बोलो भाई, होता है ना? मगर ये टीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। आपको मंजूर है? आपको मंजूर है ऐसी सरकार? तो ये सरकार बदलने के लिए हमें संघर्ष यात्रा लेकर निकले हैं मित्रों। केसीआर ने पूरे राज्य को कर्ज में डुबा कर रखा है और कहते हैं कि हमें और कर्जा चाहिए। क्यों भाई? बेटे बेटी की भलाई के लिए? न जाने कितने स्कैम आपने किए हैं मगर आपका पेट अभी भी नहीं भरता है। मित्रों मैं आपको बताने आया हूं, तेलंगाना सरकार ने ढेर सारी केंद्रीय योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं किया है। मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना की है मगर तेलंगाना राज्य उसका 100% अमल नहीं करता है। मुझे बताओ, तेलंगाना राष्ट्र के आदिवासी गरीब बिकवड़ क्लास के लोगों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य का फायदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो। ये रोक कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये रोक कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ये रोक कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ये रोक कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना, पूरा अनाज मोदी जी प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 साल से 5 किलो अनाज मुफ्त में भेज रहे हैं और 5 किलो अनाज 2 रुपये में भेज रहे हैं। उसके पर अपना और अपने बेटे बेटी का फोटा लगा दिया है। वो समझते हैं कि तेलंगाना के लोग नहीं जानते हैं मगर उनको मालूम नहीं है, आपको अब सब पहचान चुके हैं। चंद्रशेखर राव जी, सिंचाई परियोजनाएं पालामारू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन योजना, दिंदी लिफ्ट सिंचाई, राजौली बांदा डायवर्जन स्कीम, नट्टे पांडु प्रोजेक्ट, एक केंद्र ने मंजूर तो किए मगर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें उनको कॉन्ट्रैक्टर अपना नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए इरिगेशन का काम नहीं करते। केंद्र सरकार ने हैदराबाद में एक साइंस सिटी दिया है, सिर्फ 25 एकड़ भूमि देनी है मगर नहीं देते हैं। साइंस सिटी अटकी हुई है। वारंगल जिले में सैनिक स्कूल के लिए 2017 से केंद्र सरकार ने पत्र भेजा है मगर सैनिक स्कूल नहीं करते हैं। मित्रों फिर भी इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी मोदी जी ने 8 साल में तेलंगाना के विकास के लिए 2,52,202 करोड़ रुपया दिया है। मैं फिर से बोलता हूं, 2,52,202 करोड़ रुपीस मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए। आप गुमराह मत करिए चंद्रशेखर राव जी, ये सूची में बंडी को देकर जाता हूं, कल वो प्रेस में ये पूरा लिस्ट आपको पढ़ने के लिए भेज देंगे। आने पाई का हिसाब है इंदे इसके अंदर। और मैं चैलेंज देकर जाता हूं, आपने क्या किया और हमने क्या दिया, इसका हिसाब तेलंगाना की जनता के सामने रखिएगा। रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री
6400 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया, राष्ट्रीय राजमार्गों को 5000 किलोमीटर क्रॉस करा दिया, फोर लेन फ्लाईओवर 187 करोड़ रुपया दिया, लगभग 8000 करोड़ से क्षेत्रीय रिंग रोड बनाया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव के 2300 किलोमीटर के 1700 करोड़ रुपए के खर्च से रोड बनाए, रेलवे में हमने 4200 करोड़ रुपया खर्च किया और मिशन भगीरथ योजना के तहत 2500 करोड़ रुपया दिए। मित्रों बड़ी बहुत बड़ी सूची है, कल बंदी जी देंगे। मैं अंत में इतना ही कहना आया हूं मित्रों, आज मैं घोषणा कर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार चुनाव में बना दीजिए। चंद्रशेखर राव को ऐसा है कि हम चाल चलेंगे, चुनाव जल्दी करा देंगे। भैया चंद्रशेखर राव हम भी चुनाव की ही राख दे दिख रहे, कल ही घोषणा कर दो, आप कल ही घोषणा कर दो, ये निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक एक किलो बॉइल राइस हम परचेज भी करेंगे और किसानों को मदद भी करेंगे। इसके साथ साथ जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी का रिजर्वेशन करा है, जिसके कारण एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन में कटौती आपने की है, हम माइनॉरिटी के रिजर्वेशन को समाप्त कर एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। माताओं भाइयों और बहनों, ये परिवारवादी सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये तंत्र मंत्र के आधार पर चलने वाली सरकार तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पूरे देश के अंदर विकास की एक लहर फैलाई है, 8 साल के अंदर भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर बजाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिन्होंने भारत को सुरक्षित किया है, कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है, करोड़ों करोड़ों लोगों का टीकाकरण करा है, स्टार्टअप की शुरुआत की है, किसान दलित और आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए ढेर सारे कार्यक्रम ले आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर डबल डेकर सरकार बनानी है मित्रों। डबल डेकर सरकार समझ रहे हो ना, एक सरकार तो आपने बनाई है मोदी जी की, दूसरी बनाई है तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की। ये दोनों सरकार बनाकर सुरक्षित और समृद्ध तेलंगाना का वादा हम पूरा करेंगे। तीसरे चरण जब यात्रा का शुरू हो तब इससे भी 2 गुना बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आप समर्थन करिए। यही अपील कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ जल्दी चुनाव करते हुए चंद्रशेखर राव को डर लगे, इतनी बड़ी आवाज से भारत माता का नारा लगाना है। मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करिए, अंत तक सभी लोग खड़े करें, दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता।